दोस्तों नमस्ते, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बढ़िया होंगे। तो अभी जा रहे हैं हम रोहतांग पास, तो आज हम आपको दिखाएंगे रोहतांग पास का तो ये है हमारे आंटी की शॉप, यहाँ पे 217 नंबर पे आप देख रहे होंगे। तो जगह देख लेंगे, जाके देख लेंगे। तो वहाँ स्नोफॉल होंगे और ठंड भी बहुत ज्यादा है। ठंड तो बहुत ज्यादा है, इसलिए एक थोड़ा कपड़े लेके जाएंगे। आंटी जी, क्या नाम है आपका? आशा। आंटी ये कहाँ पे पड़ेंगे, ये कपड़े की शॉप कहाँ जैसे है? ये नेहरू कुंड। कितने मनाली से कितने डिस्टेंस पे रहेंगे? 5 किलोमीटर। अभी पहुँच गए हम पलचान वैली में। पलचान में हमारे हिमांशु भैया का रूम है, अभी तो मिलेंगे नहीं, वो कहीं बाहर गए हुए हैं। तो अभी कुछ दूरी पे आपका सुलंग वैली आएगा, और सुलंग वैली का आप व्यू देख रहे होंगे। अभी कुछ ही देर में आएगा सुलंग वैली, तो उसके ऊपर धुंधी ब्रिज आएगा। ये है टनल के बाहर का व्यू जो हम दिखा रहे हैं अभी आपको, और चंद्रभागा ब्रिज है। ये चंद्रभागा ब्रिज है और लेफ्ट साइड कारगिल के लिए जाएगा, और ये जा रहे हैं हम राइट साइड के लिए टनल पास, और लेफ्ट साइड पानी नहीं आ रहा, ये आइस बन चुकी है। देखो सारी आप देख रहे होंगे दोस्तों, ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको परे, देखो ये जो सामने है वो झरना जो है ना, वो आइस बन चुकी है सारी, बिल्कुल झरना जो है बंद हो चुका है। ये नदी नदी देख रहे हैं यहाँ पे वो
हेलो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे देखिए कितना आइस ये हो गया है। ये देखिए पत्थर जो है पूरा आइस से भर चुका है। ये देखिए आप ऊपर देखिए, ये देखिए पूरा व्यू। और बिल्कुल ये देखिए आप नीचे कैसे जम चुका है। अगर आप ऐसी हमारी कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ ये देखिए। ओए गिर गया मैं। ये देखिए जितना पानी में घुस गया मेरा, डूब चुका हूँ मैं। तो आप देख ही रहे होंगे कि यहाँ पे देखिए कितनी ये जो आइस है कैसी जम चुकी है। ये देखिए कितनी लेयर जम चुकी है। अब जो है ये जो कोक्सर वैली है रोहतांग पास के जो आसपास है, रोहतांग पास जो है अब क्लोज हो जाएगा 15 नवंबर 2024 अभी ये बंद हो जाएगा। तो आप देख ही रहे होंगे है नाले, नदी नाले बिल्कुल ब्लॉक हो चुके हैं। आप हो नहीं रही है रोहतांग में तो बिल्कुल बड़े बड़े पत्थर जो है ब्लॉक हो चुके हैं। हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ बाबू वर्गीस, फादर जेसन जॉर्ज। हम दोनों केरला से आए हुए हैं इधर। तो ये कोक्सर की आसपास है, करीब समुद्र से 12,000 फीट ऊपर है। तो रखान पास हम लोग गया था तो अभी देखो ये पूरा बर्फ पूरा पड़ा है, बर्फ के ऊपर हम लोग खड़ा है। तो देख लीजिएगा पूरा बर्फ जमा हुआ है, पानी उधर से गिर रहा है। तो ये बहुत अच्छा जगह है, हमारा देवेंद्र भाई का चैनल के लिए हम लोग बोल रहे हैं। तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस इधर भी, और आए भी पूरा पहाड़ है, ओनली फॉर टूरिस्ट लोकेशन है ये। पूरा बर्फ जमा पड़ा है, बर्फ के ऊपर हम लोग खड़ा है। तो ठीक है, आप लोग आके इसको देख लीजिएगा और इनके चैनल भी आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। देखिए दोस्तों कैसी आइस कमी है, चलो कोक्सर वैली temperature of this place is 2 or 3 degree Celsius. Okay, thank you. Okay. മലയാളം ഹലോ സുഹൃത്തുക്കളെ, എന്റെ പേര് ബാബു വർഗീസ്, ഇത് ഫാദർ ജെയ്സൺ ജോർജ്. ഞങ്ങൾ ഇപ്പം ഡൽഹിയിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. तो सो प्लीज गाइज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें. आप इस तरह देखिए, ऐसे ऐसे कुछ ऐसी ऐसी डायरेक्शन में और दिखाता रहूँगा, कुछ नई नई पोस्टें मैं दिखाता रहूँगा आपको, और ऐसे कुछ आपको नए नए अपडेट लाता रहूँगा. तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और मैं कुछ नए नए अपडेट लाता रहूँगा. और प्लीज़ सब्सक्राइब करें. धन्यवाद.